साल 2023 शाहरुख खान के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा दोस्तों। 3 फिल्में सुपर डुपर हिट, 2 फिल्में तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दे दी। अब 24 में जो ये शेर है ना, ये खामोश है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दहाड़ नहीं लगाएगा दोस्तों। 24 में शाहरुख खान की फिल्म शुरू हो रही है, 25 में शाहरुख खान की फिल्म आएगी और 24 में जो फिल्म शुरू हो रही है उस फिल्म का नाम है द किंग। किंग वैसे फिल्म का नाम है और अगले महीने फिल्म की शूटिंग दोस्तों शुरू हो जाएगी। शाहरुख खान ऑस्ट्रिया से वापस आ गए हैं और ऑस्ट्रिया वो गए थे दोस्तों इंजेक्शन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजर्ड है शाहरुख खान। एक्शन सीक्वेंस उन्हें करना है तो उसके लिए तो इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। 60 साल की उम्र हो गई है। शाहरुख खान इस फिल्म में काफ़ी बल्क नज़र आएंगे, काफ़ी हेवी बॉडी उनका नज़र आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। शाहरुख खान का किरदार बहुत ही अलग तरह का है और ये फुल फ्लेज्ड फिल्म है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैमियो है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक बार फिर मैं कंफर्म करके बता रहा हूं कि ये फुल फ्लेज्ड फिल्म है शाहरुख खान की, जो 2025 में आएगी दोस्तों। अब शाहरुख खान की लाइनअप बहुत अच्छी है, क्योंकि शाहरुख खान फारा खान उनकी फिल्म कंप्लीट कर चुकी हैं, फारा खान की फिल्म करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि साउथ के डायरेक्टर ए शंकर, इनका नाम दोस्तों आ रहा है कि इन्होंने 2 फिल्में शाहरुख खान को ऑफर की है, 2 स्क्रिप्ट है। ये नई बात नहीं है दोस्तों, 2019 में भी शंकर ने 4 फिल्में शाहरुख खान को ऑफर की थी। आपको पता चला होगा उस वक्त पे उड़ते उड़ते खबर आई होगी कि अंडर वाटर VFX वाली कुछ फिल्म बनाना चाहते थे, जो बाद में महेश बाबू को भी ऑफ़र किया गया, हालांकि ये फिल्म नहीं बनी। कहा जा रहा है कि शंकर जो पहले रोबोट शाहरुख खान को लेके बनाने वाले थे, नायक भी शाहरुख खान को लेके बनाने वाले थे शंकर, ये एक ड्रीम है दोस्तों शाहरुख खान के फैंस का कि शंकर के साथ शाहरुख खान काम करें। बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपने उनकी हिंदुस्तानी। अभी क्या है कि शाहरुख खान वेट कर रहे हैं इनकी 2 फिल्म, एक फिल्म कंप्लीट हो गई है इंडियन 2, दूसरी फिल्म है गेम चेंजर रामचरण के साथ। ये दोनों फिल्म रिलीज़ हो जाएगी ना तो शाहरुख खान फिल्म साइन कर लेंगे। लेकिन 2 फिल्में शाहरुख खान को ऑफर की है, एक तो साइंस फिक्शन है और दूसरी फिल्म बताई जा रही है कि ये पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जो ए शंकर ने शाहरुख खान को ऑफर की है। अब शाहरुख खान करेंगे नहीं करेंगे ये शाहरुख खान के ऊपर है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान जैसे ही ऑस्ट्रिया से इंडिया आए उसके बाद शाहरुख खान को ये 2 फिल्में ऑफ़र कर दी गई है और अटली के साथ शाहरुख खान काम कर चुके हैं, इसलिए जो आज बहुत ही बड़े एक्टर बन चुके हैं। एक वक्त पे ए शंकर के असिस्टेंट हुआ करते थे, रोबोट में असिस्ट किया था, तो चेला के साथ शाहरुख खान काम कर चुके हैं, गुरु के साथ कब काम करेंगे इसके लिए हमें वेट करना होगा दोस्तों। किंग आएगी और किंग के बाद पठान 2 आएगी और पठान 2 के बाद शाहरुख खान क्या करेंगे, अटली की फिल्म करेंगे, ए शंकर करेंगे। पठान 2 के बाद शाहरुख खान कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, ये किसी को नहीं पता है। फिल्में बहुत सारी ऑफर हुई है शाहरुख खान को, अब शाहरुख खान सारे स्क्रिप्टें पढ़ रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग लगेगा, जो लगेगा कि शाहरुख खान को करना चाहिए वो शाहरुख खान करेंगे। शंकर का फिल्म शाहरुख खान मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार रिजेक्ट करें, पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, इस बार नहीं होना चाहिए। इस बार शंकर के साथ शाहरुख खान को काम कर ही लेना चाहिए। क्या लगता है आपको, करना चाहिए? कमेंट करके बताएं और देखते रहें फिफ्थ न्यूज़ दोस्तों, और जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।